अच्छा यहाँ पर बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि हमारे जो हेड्स हैं, जैसे कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं जिनमें ये फारूक आपको नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ हमारी सर हैं, तो ये लोग इन्होंने कहा कि वो इतने अच्छे हैं कि अगर हम अपने घर वालों को भी कॉल करें तो वो शायद हमारी कॉल नहीं सुनते, लेकिन ये लोग जो हैं ये रात के वक्त भी हमारी किसी भी मुश्किल पे हमारे लिए फौरन हाजिर हो जाते हैं। और बिलाल मौजूद हैं, बिलाल क्या कहना चाहेंगे, इतना अरसा आपने यहाँ पे गुजारा है, यहाँ पे जो आपके टीचर्स हैं डायरेक्टर्स हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी यहाँ पर आगे बड़ा अच्छा मेरी माहौल मिला, मुझे घर से दूर घर मिला और मैं बड़े खुशन तरीके से क्लीन पूरी की, मैंने इसलिए मैट्रिक की है, अब मैं आईकम कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा फील हुआ और बड़ा सुकून मिला यहाँ से। अच्छा घर वाले याद आते हैं या ये लोग ज़्यादा अच्छे हैं? नहीं घर वाले जो है अहमियत तो अपनी जगह है, मगर यहाँ पे कभी भी ऐसा फील नहीं हो कि हम घर से दूर हैं या कोई चीज़ ऐसी नहीं है, घर में मौजूद थी तो यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं है, बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ का, कॉन्फिडेंस आपका बड़ा इम्प्रूव हुआ है इससे? बिल्कुल, यहाँ पे बुरी चीज़ सीखी है टीम में, स्पोर्ट्स में इसलिए स्काउटिंग में वो तमाम चीज़ें तभी यहाँ पे है, उसके बाद तमाम चीज़ें मुमकिन होने के लिए मिली हैं। ज़बरदस्त हो गया जी, यहाँ पर ये जो इनकी सोसाइटी है ये बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें भी लेके आए हैं, और देख सकते हैं आप फारूक से बात करते हैं, फारूक यहाँ पे मौजूद हैं और फारूक जो है वो वाइस सोसाइटी को एक तरह से पूरा केयर टेक कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, यहाँ पे क्या डेजिग्नेशन है आपकी? यहाँ पे एज ए मैनेजर एडमिन एंड प्लानिंग। अच्छा, एज ए एडमिन मैनेजर जाहिरी बात है आपकी इन बच्चों के साथ बहुत एफिलिएशन हो गई होगी, क्योंकि दिन रात आप इनको मिलते हैं अपने बच्चों की तरह ही बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि इन बच्चों की तरबियत जो यहाँ पे हो रही है बेहतरीन हो रही है, और इनकी आपको क्या लगता है कि इनमें मज़ीद और किस चीज़ को जो है वो हमें डालना चाहिए? जी जो पहले आपके सवाल का ऐसा है कि इनकी एप्लीकेशन तो मेरी इनके सामने स्ट्रॉन्ग है, ये इनको समझ लें कि 2011 से जब से प्रोजेक्ट चल रहा है तो मैं इन बच्चों के साथ हूँ, तो एप्लीकेशन तो इनके साथ अपने बच्चों से भी सम बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि मेरा जो क्वालिटी टाइम है वो इन बच्चों के साथ गुजरता है, और एज फार एज कंसर्न के इनके लिए हमें क्या मजीद बेटरमेंट के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो उसके लिए मेरी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है, जो नॉन डिसेबल कम्युनिटी है हमसे रिक्वेस्ट है अप्रिशिएट करें, थर्स ना खाएं, थर्स खाएंगे तो ये बच्चे मजीद ड्रामा में चले जाएंगे, परेशान होंगे, क्योंकि हमारे जो बच्चे नॉन डिसेबल साथी हैं या सिविल सोसाइटी है उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ भी आपको डिसेबल पर्सन नजर आए उन पर थर्स ना खाएँ, उनको अप्रिशिएट करें, हुआ ना बड़ी रीजनेबल बैकग्राउंड तमाम बच्चों की, बड़े एक बिलो दी पॉवर्टी लाइन रहने वाले सारे सेगमेंट से बच्चे आए हुए, बिल्कुल, तो जो ये बच्चों के लिए जो है गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर आए हुए हैं, देखिए आपको इनके हाथों में जो है वो गिफ्ट्स भी नज़र आ रहे होंगे, टीचर आप इनकी देखें कितनी प्यारी है शाजिया। नोट के उनको बेचारनी का एहसास ना दिलाने दें आने के जेहन में, उनको यूँ समझे कि ये हमारे पर बर्डन है कि इन लोगों को भी साथियों को भी हम लोगों ने एम्पावर बिल्कुल अपने अपने साथ ही लेके आना, जबरदस्त हो गया, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे ये डिफरेंट सोसाइटी से लोग आए, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी दुआ इन्होंने करवाई है, और जो है वो ये चीज़ साबित करती है कि ये बच्चों के लिए जो है गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर आए हुए हैं, देखिए आपको इनके हाथों में जो है वो गिफ्ट्स भी नज़र आ रहे होंगे, टीचर आप इनकी देखें कितनी प्यारी है शाजिया। हमने हमारी जो प्रोजेक्ट जो कुछ मांगा है वो
हमने मालिक के बारे में जो कुछ मांगा है वो भी।